गुब्बारों में लव लेटर्स, सबसे रोमांटिक ईओएस और पेंटिंग के पीछे कन्फेशंस और यहाँ तक कि सॉक्स में भी। देखिए हमारी नई वीडियो असली और मजेदार तरीके आई लव यू कहने के। ऐसा लगता है किसी ने सिरहाने के नीचे सरप्राइज रखा है। नीली आंखों वाली लड़की के दिन की शुरुआत बहुत अजीब हुई। एक छोटा सा डिब्बा उसका इंतजार कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, शायद इसमें टिफनी ने रिंग रखी है। चलो देखते हैं। एक छोटे कागज से बने गिफ्ट बॉक्स को एक्रेलिक पेंट से पेंट करें। सफेद कागज पर टॉयलेट पेपर रोल और उसके बेस्ट फ्रेंड की तस्वीर बनाएं। इसमें एक रोमांटिक दिल बनाएं। ड्राइंग को फेल्ट की टिप वाले पेन से ट्रेस करें और इसे लाल मार्कर से रंगें। गाल बनाने के लिए गुलाबी हाइलाइटर का इस्तेमाल करें। तस्वीर को काट लें। डिब्बे के ढक्कन पर लेबल बनाएं। सजावटी दिल को ग्लू से लगाएं। तस्वीर को इसके अंदर रखें। डिब्बे को गिफ्ट फिलर से भरें और इस पर थोड़ी चमकीली को छिड़कें। नीली आंखों वाली लड़की ने डिब्बे के अंदर देखा, इसके नीचे तो एक नोट छिपा है। कितना अजीब मैसेज है ये, है क्या एक खुद की पोर्ट्रेट? अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का कितना अजीब तरीका है। नीली आंखों वाली लड़की को एक हिंट मिला। ऐसा लगता है कि ये रोमांटिक पहेली उसके लिए है, उसे इसे देखना होगा। इस पूरे समय कोई है जो नीली आंखों वाली लड़की पर नजर रख रहा है। नीली आंखों वाली लड़की की जुड़वा सुनहरे बाल वाली लड़की, उसका बचपन जरूर अच्छा नहीं होगा। तभी वो बड़े होकर बहुत क्रूर और रहस्यमयी बनी है। ये सुनहरे बालों वाली लड़की का अलग ही रोमांटिक ड्रामा है। वो अपनी बहन के लवर बेन से प्यार करती है। वो दिन रात उसके सपने देखती है। बस उसे अपने प्यार का इजहार करना है, इसलिए वो बेन के लिए तोहफा छोड़कर जाती है। बेन ये देखने आया कि नीली आंखों वाली लड़की को उसका तोहफा मिला या नहीं। ये तो दिल को छू गया। उसने बेन के लिए एक रोमांटिक तोहफा छोड़ा। एक स्क्रैप बुक वाले गत्ते पर लाइंस बनाएं। उस पर लिखिए 15 reasons that I love you। नीचे लिखे इसे फुलाओ और फोड़ो। कार्ड को दिल बनाकर सजाएं। सेफ्टी पिन लगाएं। इसमें लाइंस के मुताबिक कट लगाएं। दिल के आकार के गुब्बारे को प्यार भरे नोट से भरें। इसमें दिल वाली कॉन्फेटी, स्पार्कल्स और अन्य सजावट के सामान को डालें। गुब्बारे को कार्ड में रखें। कार्ड को और आकर्षक बनाने के लिए आप गुब्बारे को थोड़ा पहले से ही फुला सकते हैं। निर्देश बिल्कुल साफ है, मुझे फुलाओ और फोड़ो। बेन को ये करने में बहुत खुशी हो रही है। और फिर उसे 15 मैसेजेस मिले। बेन बहुत खुश है। ये उसकी सोलमेट नीली आंखों वाली लड़की का काम है और शेल्फ पर उसके लिए एक और तोहफा इंतजार कर रहा है। एक कागज की शीट पर दो सॉक्स को बनाएं और इस पर लिखें आई एम ग्लैड दैट आई फाउंड यू। इस नोट को सॉक्स के बीच रखकर लपेट दें। सॉक्स को एक पारदर्शी दिल के आकार के कंटेनर में रखें। क्या इन सॉक्स का रंग अलग अलग नहीं लग रहा? हर आदमी की तरह बेन ने भी ये नहीं सोचा था कि उसे ऐसा तोहफा मिलेगा। कितना असली है। रुको, इसमें एक नोट भी है। आई एम सो ग्लैड दैट आई फाउंड यू। और ये कितना प्यारा है। बेन को पक्का यकीन है कि नीली आंखों वाली लड़की ने ही इस सरप्राइज को उसके लिए छोड़ा। बेन उसके लिए और बेहतर तोहफे बनाने के लिए चला गया। उतनी देर में नीली आंखों वाली लड़की अपने रोमांटिक ट्रेजर हंट के आखिरी पड़ाव पर है। ये उसे एक दिलचस्प कार्ड की ओर ले गया। क्राफ्ट वाले गत्ते के कोनों को काट लें, बीच में कट्स लगाएं, गत्ते को ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए मोड़ें, आगे की तरफ दो लाइंस बनाएं, रंगीन कागज से अलग अलग आकार के दिल काटें, इन्हें आधा मोड़ें और एक ही आकार वाले दिल को एक साथ जोड़ दें। इन 3D दिलों को कार्ड पर लगाएं, बादलों को काट कर डबल साइडेड फोम टेप से लगा दें। एक हॉट एयर बलून की टोकरी हर दिल के नीचे बनाएं। हॉट एयर बलून की ट्रिप की दो टिकट्स को रख दें। इस पर साइन करें। नीली आंखों वाली लड़की ने 3D कार्ड से हॉट एयर बलून की टिकट्स को बाहर निकाला। कितना जादुई है। उसने अपनी दोस्त को फोन पर बेन के बारे में सब कुछ बताया। ये तोहफा किसी सपने के सच होने जैसा है। मगर अचानक से उसे एक और हिंट मिला और अब खोज जारी है। बेन नीली आंखों वाली लड़की के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, मगर उसे खुद के लिए एक तोहफा मिल गया। कितना दिलचस्प बुके है। चलिए अपने बुके के हिस्सों को बनाते हैं।
पेप्सी की बोतल पर टेप से लकड़ी की डंडियों को लगाएं। नीचे से डंडियों को एक साथ जोड़ दें और बुके के बेस को बनाएं। नमकीन नट्स के पैकेट में डंडियों को लगाएं। पतली सॉसेज और सलामी को डंडियों पर लगाएं। थोड़े चीज को लगाएं। शिमला मिर्च में डंडियों को डालें। सभी सामग्री को बुके में इकट्ठा कर लें। सजावट के तौर पर नकली पत्तियों को लगाएं। बुके को कागज में लपेटें, इस पर रिबन को बांध दें और साथ ही इसमें प्रेजल की डंडियों को लगाएं। इसके अंदर रोमांटिक नोट्स को लगा दें। लड़कों को फूल लेने की आदत नहीं, मगर बेन को ये बुके बहुत पसंद आया। ये मर्दानगी से बना है। उसके सभी पसंदीदा स्नैक्स इसमें रखे हैं और प्यार भरा नोट इस पर चार चांद लगा देता है। बेन ने बुके को खाना शुरू किया और नीली आंखों वाली लड़की के लिए और भी बेहतर तोहफा बनाने का सोचा और उसे पहले से ही एक लंच बॉक्स मिला। इसके अंदर रोमांटिक सैंडविचेस हैं। ब्रेड से तिल के आकार को काट लें। एक फ्राइंग पैन में वेजिटेबल ऑयल डालें। ब्रेड को टोस्ट करें। एक एवोकाडो को काटें और चम्मच से मसलें। अंडे को फ्राई करें। टोस्ट पर मसले हुए एवोकाडो को लगाएं। अंडों को ऊपर रखें। इन्हें ध्यान से काटें। स्टार फ्रूट और स्ट्रॉबेरीज को काटें। कुकी कटर से दिल के आकार का सेब काटें। कटे हुए फलों को लंच बॉक्स में रखें। दूसरे हिस्से में सैंडविचेस को रखें। क्राफ्ट पेपर पर प्यारा सा नोट लिखें। नीली आंखों वाली लड़की ने अपना लंच बॉक्स खाना शुरू किया। ये आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है क्योंकि ये प्यार से बना है। अद्भुत फल एक अच्छे दिल के लड़के ने बनाए हैं। बस यही नहीं, डेजर्ट के साथ लव कन्फेशन है। और ट्रेजर हंट का अगला हिंट इस लंच बॉक्स के नीचे है। तब तक सुनहरे बाल वाली लड़की बेन के बारे में सोची जा रही है। वो उसके लिए एक और रोमांटिक तोहफा तैयार करती है। एक मोटे गत्ते और स्क्रैप बुक वाले गत्ते को एक आकार में काटें। दोनों परतों को ग्लू से जोड़ें, पेड़ बनाएं। इसे काले एक्रेलिक पेंट से रंगें। पेड़ को लाल दिल से ढकें। बीच के हिस्से के लिए एक गुलाबी दिल के आकार को काट लें। पार्चमेंट पेपर पर टेप को लगाएं। एक्रेलिक पेंट और तरल साबुन को मिलाएं और इसे टेप की परत पर लगा दें। गुलाबी दिल पर प्यार भरे मैसेज को लिखें। रंगीन टेप को पार्चमेंट पेपर से हटा लें। इसे दिल पर लगा दें और काट लें। दिल को पेड़ के बीचों बीच रखें। फोम कोर से एक तस्वीर का फ्रेम काट लें। इसे स्क्रैप बुक वाले गत्ते से ढकें। एक ओपनिंग वाले फ्रेम को बनाएं जिसकी साइड्स आधे इंच चौड़ी हो। दोनों फ्रेम्स को एक साथ रखें और फ्रेम्स को पेंटिंग पर लगा दें। बेन को एक आवाज सुनाई दी। वहाँ शेल्फ पर क्या रखा है? ये एक सिक्का है जिसे आप दिल को स्क्रैच करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेन ने इस दिल के रहस्य को सुलझाया। उसने सीधा पेड़ से मैसेज को तोड़ लिया। इस ट्रेजर हंट के चलते नीली आंखों वाली लड़की फ्रीजर तक पहुंच गई। इसमें एक जमा हुआ दिल है, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? टूथपिक की मदद से दिल के आकार को EOS से काटें, साइड्स पर I और U अक्षर बनाएं, दिल को रसभरी लिप बाम से भरें, इस पर मेकअप वाली चमकीली को छिड़कें, थोड़ी पारदर्शी लिप बाम को माइक्रोवेव में पिघलाएं, इसमें नीला खाने लायक रंग डालें और अक्षरों को इससे भरें। सांचे के आधे हिस्से में पानी भरें और इसमें दिल वाली कन्फेटी को डालें। EOS को इसके अंदर रखें। इसे जमने के लिए रख दें। दूसरे हिस्से में भी पानी और कन्फेटी को भरें। दिल के दोनों हिस्सों को जोड़ दें और जमने दें। नीली आंखों वाली लड़की को ये तो समझ आ गया कि उसका सरप्राइज इसके अंदर है, मगर मैं इसे बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इस बर्फ के खुद ब खुद पिघलने का इंतजार करूं? नीली आंखों वाली लड़की ने इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ा। इसके अंदर तो एक मीठी EOS है, एक रोमांटिक मैसेज के साथ। कितना प्यारा है ये। नीली आंखों वाली लड़की को उसके पर्स में एक की चेन मिला। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा है। हाथ को बनाएं। पॉलीमर क्ले से लाल रंग का दिल बनाएं, हाथ के आकार का। इसमें एक छेद करें। मास्क के रंग की क्ले के साथ हाथ को बनाएं टेम्पलेट के मुताबिक।
कीचेन लगाने के लिए एक रिंग को भी बनाएं। दिल को हाथ पर रखें और हाथ को काट लें। कटे हुए हिस्से में दिल को लगा दें। निर्देश के मुताबिक इसे अवन में बेक करें। तैयार हाथ को एक्रेलिक पेंट से रंगें। इसमें एक कीचेन की ग्रिप को लगाएं। इसमें दिल के आकार के कीचेन को डालें। हाथ पर साइन करें। कीचेन को राइनस्टोन से सजाएं। नीली आंखों वाली लड़की ने कीचेन को ऐसे ही छोड़ दिया, मगर सुनहरे बालों वाली लड़की ने इसे उसी समय पकड़ लिया। तुम्हें इस दिल को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और तो और, सुनहरे बालों वाली लड़की ने बेन के लिए खास मार्शमेलोज बनाए ताकि वो अपने प्यार के बारे में बेन को बता सके। खाने लायक मार्कर से आई लव यू को मार्शमेलोज पर बनाए। बेन अपनी प्यारी नीली आंखों वाली लड़की से मिलने आया है ताकि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। वो उसके लिए एक कीचेन लाया और उसने रोमांटिक मग्स में कोको बनाया। प्लेन सिरेमिक कप को एक्रेलिक पेंट से रंगे। एक मग को हल्के गुलाबी पेंट और दूसरे को हल्के नीले रंग से रंगे। पेंसिल के इस्तेमाल से गुब्बारा पकड़े हुए लड़का और लड़की को बनाए। तस्वीर को पेंट करने वाले मार्कर से रंगें। इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से शेक करें। एक रोमांटिक नोट का इस्तेमाल करें। बेन लड़की के पास जाकर बैठ गया। उसने बड़े ध्यान से देखा कि ये प्यारी नीली आंखों वाली लड़की तो नहीं है। और उसने फिर भी बेन के लिए प्यार से मार्शमेलोज बनाए। सुनहरे बालों वाली लड़की का सपना आखिरकार पूरा हुआ, मगर बेन इतना खुश नहीं है। क्या आपको हमारे रोमांटिक सरप्राइजेस पसंद आए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आपको कौन सी बहन ज्यादा पसंद आई, नीली आंखों वाली लड़की या उसकी बहन सुनहरे बालों वाली लड़की। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।